ठीक है ना एक बार फटाफट से समझा दो ये क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है कंबाइंड लेवरेज क्या होता है कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से राइज होने वाला रिस्क या लेवरेज क्या कहलाता है ऑपरेटिंग okay. लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज एक एलिमेंट की वजह से एग्जिस्ट करता है कौन सा एलिमेंट फिक्स्ड okay. कॉस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट हो गया जिसमें सेल से ईबीआईटी तक आकर दिखाना है बीच में फिक्स कॉस्ट फॉल करती है और इस फॉर्मूले का मतलब क्या था सेल्स में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा अच्छा इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी सीधा सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी बीच में फिक्स कॉस्ट लाए कर रही है ठीक है ना अच्छा अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मान लो फाइव आ गया इसका क्या मतलब है क्या डिनोट कर रहा है ये एग्जैक्टली वन परसेंट का चेंज होगा सेल्स में तो फाइव परसेंट का चेंज हो सकता है ईबीआईटी में इसी बेसिस पर जो अभी ये बात बोली इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कई बार आपके पास आते हैं जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था कि सेल्स में अगर जैसे उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेल्स अगर चालीस से बढ़ती है या ट्वेंटी से कम होती है तो रिवाइज ईबीआईटी क्या होगा निकाल लोगे कि अगर मान लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइव है और सेल्स में 40 परसेंट का चेंज आता है तो ईबीआईटी में 40 मल्टीप्लाई का चेंज आएगा वो जो भी अच्छा, लिवरेज का मतलब क्या होता है? पहले तो कौन सी चीज की वजह से एग्जिस्ट करता है इंटरेस्ट की वजह से बेसिकली so कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से जो भी रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं ठीक है ना फॉर्मूला क्या था इसका परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भूल जाओ फॉर्मुला तो खुद से बना लीजिएगा डिनोमिनेटर से समझा जाता है ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आ जाएगा ठीक है ना अच्छा ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या था इसका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी बीच में इंटरेस्ट लाए कर रहा है अच्छा उसके बाद एक तरह से यहां पे ईबीआईटी से ईबीटी तक आकर दिखा दिया मान लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 3 आता है तो ये क्या डिनोट कर रहा है एक परसेंट का चेंज आएगा ईबीआईटी में तो उसकी वजह से थ्री परसेंट का चेंज आ जाएगा ईबीटी में ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा वहां से ईबीटी का चेंज दिखाना है ठीक है ना तो ये आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हो गया यहां पे आप सीधा ईबीआईटी से ईबीटी तक आकर दिखाते हो अच्छा उसके बाद किया था डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला ठीक है अल्टरनेट फॉर्म अल्टरनेट ऑल्टॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी इसके बीच में फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों लाए कर गया सो बेसिकली कंबाइंड लेवरेज क्या होता है कौन सी एक्टिविटीज की वजह से डे टू डे बिजनेस को रन करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन दोनों को कंबाइंड करके हम कंबाइंड लेवरेज सीखते हैं इसका मेन फॉर्मूला क्या था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स सेल्स में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आ जाएगा बीच में दोनों लिवरेज के एलिमेंट फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों लाए कर रहे हैं ठीक है ना मान लो कंबाइंड लिवरेज आपका किसी क्वेश्चन में मान लो दिया होता है इसका मतलब क्या एक परसेंट का चेंज आएगा सेल्स में तो उसकी वजह से फोर परसेंट का चेंज आ जाएगा ईबीटी में कंबाइंड लिवरेज का तो फॉर्मूला कभी भी भूल जाओ और कुछ नालायक मोबाइल रख दें कंबाइंड लिवरेज में बेसिकली यहां पर सिंपल सा अगर कभी भी फॉर्मूला भूल जाओ तो फॉर्मुला बनाने के लिए सिंपल सी चीज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज तो आपको फॉर्मुला दो ही याद रखने हैं ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड वाला फॉर्मुला तो चाहे ऑल्टरनेट वाला चाहे परसेंटेज चेंज वाला उनके मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा समझ आ गया सभी को क्लियर है यहां पर चलिए तो अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके नोट्स में अभी देखो आज की क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मैंने अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स हैं इस इन नोट्स में पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं है ऐसा चाहिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ताकि हम हम अभी कर पाए ठीक है ना वो हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास मेरी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट में जाएगी उससे नेक्स्ट क्लास तक आपकी किताबें आ चुकी होंगी प्रिंट ठीक है चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन यू आर गिवन टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ कंपनी विच हैजू फाइनेंशियल सिटुएशन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आर एज अंडर आपको डेटा दिया हुआ है इंस्टॉल्ड कपैसिटी टेन थाउजेंड यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स सिक्सटी परसेंट ऑफ इंस्टॉल्ड कपैसिटी मतलब एक्चुअली में कितने यूनिट्स पर काम हुआ होगा छ हजार सेलिंग प्राइस पर यूनिट थर्टी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ट्वेंटी दी हुई है आपको एक उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट इसकी दो सिचुएशन बना दी ए सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड बोला है और बी सिचुएशन में फिक्स पच्चीस हजार बोला है इसी तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर की भी दो बना दी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोस आपके पास एक्स वाई फाइनेंशियल प्लान और एक्सएम फाइनेंशियल प्लान बारह हजार की इक्विटी एक्स वाई में और डेट चालीस हजार का बारह परसेंट के कूपन रेट पर एक्स वाई प्लान में एक्सएम प्लान में 35,000 की इक्विटी और 10,000 का डेट वही 12 परसेंट के कूपन रेट पर ठीक दे दी है क्या करना पड़ेगा एक तरह से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा यहां पर कैसे एक फाइनेंशियल प्लान एक्स वाई तो उसमें अगर बीस हजार की फिक्स्ड कॉस्ट हो पच्चीस हजार की फिक्स्ड कॉस्ट हो एक फाइनेंशियल प्लान एक्सएम और उसमें अगर बीस हजार की फिक्स कॉस्ट हो और पच्चीस हजार की फिक्स कॉस्ट हो ठीक है ना इस तरीके से हम बड़े सारे कॉम्बिनेशन जो भी आपस में बन पाएंगे वो देखेंगे अभी आगे हाँ जी उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ बोथ द प्लान क्वेश्चन ने यहां पे बोथ द प्लान मतलब फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से बोला है कि दोनों फाइनेंशियल प्लान में ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल कंप्यूट करके बता दो लेकिन दोनों ही प्लान में आपकी ये दो सिटुएंस भी है कॉस्ट की समझ आया मतलब अल्टीमेटली कितने केस बन गए चार केस बन गए एक्स वाई का फाइनेंशियल प्लान ए सिचुएशन वाली फिक्स कॉस्ट बी सिचुएशन वाली फिक्स कॉस्ट दो बन गई इसी तरीके से एक्सएम का फाइनेंशियल प्लान उसमें बीस हजार की फिक्स कॉस्ट पच्चीस हजार की फिक्स कॉस्ट तो टोटल हो गई चार इनकम स्टेटमेंट और चार आपके अलग अलग ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकलेंगे पहले बताओ क्वेश्चन का डेटा समझ आ गया तो अब स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन क्योंकि एंड में दिक्कत यही आती है कि सर सब कुछ समझ आ गया क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा वो बताओ तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होंगे इनकम स्टेटमेंट बनाने से ठीक है ना आइए स्टार्ट करते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ तो वैसे ये चैप्टर तो आपको आसान लग रहा होगा मुश्किल तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी क्या कह रहा है क्या कह रहा है नालायक बोल बोल मत बोल रहे फूलन देवी बैठी है तेरे साथ तेरे को डरने की क्या जरूरत है लो जो है वही पूछ रहा है

6000 की कैपेसिटी पर काम कर रहे हो तो एक्चुअली में तो सेल्स 6000 के हिसाब से आएंगी 10000 के हिसाब से तो नहीं आएंगी ना वो तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो 6000 थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थर्टी और 6000 थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से लिख दू समझ आया नहीं नहीं आया समझ आ गया अच्छा तो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन से ही लिख देता हूं यहां पर सेल्स से नहीं लिखते सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन ये तो आ जाएगा सब में सेम साठ हजार माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अब फिक्स्ड कॉस्ट के लिए दो फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास क्वेश्चन में ए सिचुएशन में बीस हजार और बी सिचुएशन में पच्चीस हजार की फिक्स कॉस्ट तो ए बीस हजार बी पच्चीस हजार अभी फिक्स कॉस्ट लिखते हुए मैं फाइनेंशियल को नहीं देख रहा सिर्फ ए और बी की सिचुएशन को देख रहा हूं फाइनेंशियल प्लान को कब देखूंगा जब डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा ठीक है ना ऐसे यहां पे ए बीस हजार और बी में पच्चीस हजार आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट लगेगा डेट पे जिसपे जिसके लिए हमारे पास दो फाइनेंशियल प्लान्स हैं एक्स वाई में चालीस हजार का डेट है और एक्सएम में दस हजार का डेट है कूपन रेट है बारह परसेंट ठीक है ना तो यहां पर चालीस हजार पे बारह परसेंट कितना आएगा फोर्टी एट हंड्रेड यहां पर भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि प्लान वही चल रहा है एक्स वाई ठीक है ना इसी तरीके से यहां पर दस हजार पे बारह परसेंट ट्वेल्व हंड्रेड और यहां पे भी ट्वेल्व हंड्रेड <coughs> आपके पास ईबीटी आ जाएगा समझ आ गया ये सारा बस अब आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ चुका है ईबीआईटी आ चुका है ईबीटी आ चुका है ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा परसेंटेज चेंज वाला या ऑल्टरनेट फॉर्मूला ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्योंकि हर सिचुएशन में अपना अलग अलग ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है इनका परसेंटेज चेंज निकाल के मत बैठ जाना ठीक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पहले यहीं पे फॉर्मूला कोट कर देते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन था सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी थाउजेंड यहां पे सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव थाउजेंड ऐसे यहां पे सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी थाउजेंड 60000 divided by 35000 1.5 1.71 degree of financial leverage formula ebit divided by ebt एक सेकेंड यहां पर ईबीटी आया था आपके पास फोर्टी एट हंड्रेड वन पॉइंट हाँ जी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे जीरो अच्छा। हो गया यहां पे सभी को समझ आ गया आसान था एकदम ये भी क्वेश्चन अच्छा अब वैसे मैं यहां पे एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जो शायद आपने खुद से किया था उस क्वेश्चन में आपसे लिवरेजेस भी मांग रखे थे और इंटरप्रेट द रिजल्ट्स भी लिखा हुआ था याद है अभी देखो एक बारी क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन किया था आपने खुद से यहां पे ये सारे लिवरेजेस भी मांगे हुए थे और आपको बोला भी हुआ था इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इस पे तो मैंने बात ही नहीं करी थी आपसे ठीक है ना मैंने कराया आपने खुद से सॉल्व किया इनकम स्टेटमेंट सारे क्वेश्चन तो तो कम कम तो का होगा अब मैं थोड़ी सी बात इंटरप्रिटेशन पे कर रहा हूं फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन में आपको लिखवाता हुआ चलूंगा ठीक है ना कि क्या इंटरप्रिटेशन देनी होती है एक बात बताओ लेवरेज को अल्टीमेटली मैं रिस्क बोल सकता हूं अच्छा यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात समझा रहा हूं वैसे बड़ी कॉमन सी सिंपल सी बात है सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज किसका आया है यहां पर कि जब एक्स वाई का फाइनेंशियल प्लान हो और बी सिचुएशन की फिक्स्ड कॉस्ट हो तो फाइनेंशियल लिवरेज सबसे ज्यादा आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो पर्टिकुलर केस है कि एक्स वाई का फाइनेंशियल प्लान और बी सिचुएशन की फिक्स्ड कॉस्ट दिस इज द मोस्ट रिस्की ये सबसे ज्यादा रिस्की प्लान है हायर द लिवरेज मतलब हायर द रिस्क और क्या फिर मैं यह बात भी बोल सकता हूं कि रिस्क अगर ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा आने के चांसेस हैं हायर द रि हायर द रिस्क हायर में भी द रिटर्न इसी तरीके से सेकेंड नंबर पर रिस्क किसका है वन पॉइंट वन फोर कि एक्स वाई का फाइनेंशियल प्लान और ए सिटुएशन की फिक्स्ड कॉस्ट समझ आया तो यहां पे आपका सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रिस्क है फिर थर्ड नंबर पे इस पे फोर्थ नंबर पे इस पे इनकंक्लूसिव क्या मैं कह सकता हूं कि पहले नंबर पे हाईएस्ट रिस्क एक्सवाई फाइनेंशियल प्लान की ही बी सिचुएशन में है सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रिस्क एक्सवाई के ही फाइनेंशियल प्लान की ए सिचुएशन में है अल्टीमेटली एक्स वाई फाइनेंशियल प्लान इज द मोस्ट रिस्क समझ आया सभी को क्लियर हुआ इस तरीके से हमें यहां पे बस एनालिसिस देने होते हैं भाई सबको समझ आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली पूरा लिखवाऊंगा अभी अभी जो बात मैंने बोली है मतलब यहाँ पे मैंने आपको सिंपल चीज बता भी दी और एस सच इसमें कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी नहीं लग रहे हैं बस आपको यही बात लिखनी होती है कि जिस प्लान में या जिस सिचुएशन का हाईएस्ट लिवरेज है मतलब उसमें हाईएस्ट रिस्क है ठीक है ना आइए क्वेश्चन करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आ जाओ थर्टीन अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मतलब ऐसा चीज़ में कोई मुश्किल बात नहीं है इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करवा रहा हूं क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है ना आई कंपनी company had फॉलोइंग following balance sheet ऑन on 31st मार्च 2015 अब डेटा आपको दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख रिजर्व सरप्लस लाख 15 परसेंट डिवेंचर दिए हुए एटी लाख करंट लाइबिलिटीज 32 टू लैख फिक्स एसेट्स वन करोड़ ट्वेंटी एट लाख और करंट एसेट्स थर्टी टू लैख पूरी बैलेंस शीट इस तरीके से आपको दे दी है द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर फिक्सड कॉस्ट पर एन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट थर्टी टू लाख तो ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है ये कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स फिक्स है इंटरेस्ट नहीं है इसमें ठीक है ना वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे दी मतलब बाकी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसके बाद टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो अभी देखेंगे इसका क्या यूज होगा देखो मेरे को तो पता नहीं अभी ये होता क्या है पर दिया हुआ है कुछ एसेट टर्न ओवर रेशो इनकम टैक्स रेट थर्टी परसेंट आपको दिया हुआ है ठीक है ना आपसे मांगा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लिवरेज अर्निंग पर शेयर एंड कॉमेंट तो ये सारे लिवरेजेस और अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी तो अल्टीमेटली इस चैप्टर का हर क्वेश्चन स्टार्ट ही कहां से होगा इनकम स्टेटमेंट से तो इस बात में तो कोई कंफ्यूजन कभी होनी नहीं चाहिए इस चैप्टर में कि क्वेश्चन सर स्टार्ट कहां से होगा इनकम स्टेटमेंट से होगा एज सिंपल एज दैट ठीक है ना अब इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए एक बारी मन में हिसाब लगाते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या सबसे पहले क्या चाहिए सेल्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर पता लग गई वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो दे रखी है कॉन्ट्रीब्यूशन आ, आ, आ जाएगा माइनस फिक्सड कॉस्ट दे रखी है फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा ईबीआईटी आ जाएगा माइनस इंटरेस्ट उसके लिए अस्सी लाख रुपए के डिबेंचर है पंद्रह परसेंट का कूपन रेट है बैलेंस शीट में दे रखा है इंटरेस्ट आ जाएगा इंटरेस्ट माइनस करूंगा ईबीटी भी आ जाएगा उसके बाद टैक्स रेट भी दे रखा है थर्टी परसेंट ईबीटी का थर्टी परसेंट निकालूंगा टैक्स आ जाएगा ईएटी ईएटी भी आ जाएगा समझ आया अच्छा EAT में से फिर क्या माइनस होता है प्रेफरेंस डिफरेंट बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर नाम की कोई चीज नहीं है तो प्रेफरेंस डिफरेंट नहीं है तो जो ईएटी आया उसी को क्या बोल सकता हूं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अच्छा ईपीएस निकालने के लिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही डिवाइड करा जाता है किससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स शेयर कैपिटल ना नालायक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख पर दस रुपए का है डिवाइड करूंगा चार लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे मतलब मेरे पास पूरी इनकम स्टेटमेंट का डेटा है सिवाय एक चीज के सेल्स वो नहीं है सेल्स का अगर कोई छोटा सा हिंट भी क्वेश्चन में है तो वो यहां है

हाँ 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 यही तो पॉइंट मेरे को पकड़ना था एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स आता हूं कुछ नहीं जी इनकम <coughs> स्टेटमेंट दीपा तुम ना एक काम करो गवर्नमेंट ने टिकटॉक कर दिया बैन फिर भी तुम्हें वो टिकटॉक वाली हरकतें तो याद आती होंगी अपनी तो एक काम करा करो थोड़ा हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा हर क्लास में एक परफॉर्मेंस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है एज इट इज लिख देते हैं थर्टी टू ईबीआईटी आ जाएगा इस बारी पढ़ी जाएंगे चिंता मत करो सा गाना गाया था? तो था अच्छा वो हरियाणवी वाला इंटरेस्ट एटी लाख डिबेंचर फिफ्टीन परसेंट का कूपन रेट <laughs> <laughs> कितना आएगा इंटरेस्ट ईबीटी आ जाएगा माइनस टैक्स थर्टी परसेंट बस लिख के छोड़ देते हैं इसको यहां पे ईएटी आ जाएगा यहीं के यहीं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे इक्विटी शेयर्स आपके पास चालीस लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल दस रुपए का एक शेयर तो चार लाख इक्विटी शेयर्स हो गए इसको लिख के छोड़ देते हैं बस और यहां पर यह आ जाएगा तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा और उसके बाद यहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना है यह सब लिख के मैंने यहां पर छोड़ दिया इनकम स्टेटमेंट कर दी क्लोज आंसर हो जाएगा यहां पे खत्म इसके बाद आ जाएंगे हम वर्किंग नोट पर ठीक है ना हो गया यहां तक वर्किंग नोट वन एसेट टर्नओवर ओवर रेशो ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है टू पॉइंट फाइव एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अब देखो वैसे तो इसको सॉल्व करना है बस अब आपको आंसर दिया हुआ टू पॉइंट फाइव टोटल एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट और करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा लेकिन यहां पे एक बात सुन लो सुनो 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 एक बात

ठीक है एफ एम पूरा फॉर्मुला सेंट्रिक होता है कहीं ना कहीं तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं पेपर के टाइम पे ना पूरी एफ चैप्टर्स के इतने सारे, के इतने सारे हो जाते हैं कि पेपर में ना कंफ्यूजन हो जाती है एसेट एसेट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय टर्नओवर टर्नओवर था था कि एसेट था। और ज्यादातर बच्चे इस कंफ्यूजन की वजह से गलती पता क्या करके आते हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है एसेट टर्न लिखा हुआ है तो चलो जी एसेट डिवाइडेड बाय टर्न एकदम से अगर खुद से फॉर्मूला बनाना पड़े तो यही फॉर्मूला बन पाता है क्या एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर ये यह फॉर्मूला बिल्कुल गलत है फॉर्मूला क्या है इसका उल्टा टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट अब इसको याद रखने की ट्रिक कह लो या लॉजिक कह लो मैंने आपको कई बार बता रखा है कोई भी फॉर्मूला समझना हो कहां से समझा जाता है डिनोमिनेटर से अगर मैंने फॉर्मूला बना दिया ये एसेट डिवाइडेड बाय टर्न तो जरा बोल के देखो यह फॉर्मूला क्या बोल रहा है कितनी सेल होगी तो उससे कितने एसेट लगाऊंगा पहले सेल कर दोगे फिर मशीनें लाओगे कि पहले मशीनें लानी पड़ेंगी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी उसकी हेल्प से प्रोडक्शन कर पाओगे फिर जाके सेल कर पाओगे पहले एसेट लगाना पड़ेगा फिर जाके ही तो सेल कर पाओगे पहले स्टॉक बनाना पड़ेगा फिर ही तो सेल होगी तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कितने के एसेट लगाए एग्जाम्पल के लिए दस लाख रुपए के एसेट लगाकर कितनी सेल कर पाया समझ आया तो सिंपल लॉजिक है लॉजिक से पढ़ लेना फॉर्मुले को समझ आया तो अब यहां पे बता दो इसको सॉल्व करके 2.5 इक्वल्स टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट आपके पास बैलेंस शीट का टोटल था वन करोड़ सिक्सटी लाख कितना फोर हंड्रेड करोड़ चार करोड़ हाँ 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 लाख और 400 करोड़ बहुत फर्क है वो कह रही है वही तो है वर्किंग नोट वन का रेफरेंस डाल के यहां पे सेल्स बस अब आगे आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेवेंटी परसेंट थी कंट्रीब्यूशन वन करोड़ ट्वेंटी लाख ईबीआईटी एटी एट लाख सेवेंटी सिक्स लाख ईबीटी आ जाएगा बारह लाख माइनस करके ट्वेंटी टू 80,000 एटी थाउजेंड टैक्स फिफ्टी थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड आपके पास ईएटी आ जाएगा थर्टीन पॉइंट थ्री चार लाख से डिवाइड करके आपके पास ईपीएस आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन आया था वन करोड़ ट्वेंटी और ईबीआईटी एटी एट कितना इसी तरीके से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड by EBT 1.16 DCL के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है सीधा लिख देंगे DOL multiply by मल्टीप्लाई बाय मतलब अगर आपने फॉर्मूला लगा भी दिया तो भी गलत नहीं आंसर सेम आएगा ठीक है ना 1.36 multiply by 1.16 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 1.564 पॉइंट यहां पे इतना जरूर मैं फाइव सिक्स ठीक है एक मिनट ठीक कर देता हूं हूँ 1.58 पेपर में ना इतना जरूर मेंशन कर देना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है डीएफएल आपके सेकंड पार्ट का आंसर है डीसीएल थर्ड पार्ट का आंसर है ताकि पार्ट स्पेसिफाइड हो जाए कौन से पार्ट का आंसर आपने कहां पे स्पेसिफिकली दिखा रखा है और ये जो ईपीएस है ये फोर्थ पार्ट का आंसर है आसान था ये क्वेश्चन भी बस इसमें एक ही एडिशनल चीज करी हमने एसेट टर्न ओवर रेशो एंड बाय द वे ये तो इस क्वेश्चन में आ गया एसेट अब यहां पे ना एक डाउट आपके मन में जरूर आ सकता है कि सर जैसे इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आ गया एसेट टर्न ओवर रेशो चलो आपने बता दिया समझा दिया क्लास में क्वेश्चन करा रहे थे पेपर में किसी और रेशो का ऐसे रेफरेंस आ गया तो फिर हम कैसे करेंगे समझ आया अब इसका आंसर यह है पहली बात अगर कोई भी और रेशो का पेपर में रेफरेंस आता है तो उसका फॉर्मूला आप कैसे करेंगे आपका एक अलग से चैप्टर है रेशोज उस रेशोज वाले चैप्टर में सारी रेशोज ही करनी है आपको जिसमें सिंपल सिंपल रेशो जो आपने पहले कर रखी है करंट रेशो लिक्विड एसेट रेशो क्विक एसेट रेशो इस तरीके की रेशोज इंटरेस्ट कवरेज रेशो प्रेफरेंस डिफरेंट कवरेज रेशो सारी तरीकों की रेशोज वहां पर कंबाइंड होकर आएंगी तो वहां पे हम सीखेंगे उस चीज को तो अगर किसी और रेशो का रेफरेंस आ भी गया तो आपको पास फॉर्मुले होंगे आप कर पाओगे उस टाइम पे ठीक है ना तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू व्यूं से अगर बोला जाए तो ये रेशो और लिवरेज का एक तरह से कंबाइंड क्वेश्चन के कह सकते हैं है आगे बढ़ते हैं कंप्लीट हो गया सबका अभी आऊंगा अभी आऊंगा मैं इसके बाद ना एक और करवा फिर बीटा का एक आपको बताऊंगा फिर मैं कॉमेंट्स लिख बीटा लिखवाना कर अच्छा, देखो करना नहीं है देखो एक बारी सिर्फ एल्फा लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी थी वैसे ही दिया हुआ है वही इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व डिबेंचर करंट एसेट ठीक है जी? उसके बाद आपको बिल्कुल फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बस ऑब्वियसली अमाउंट्स का फर्क है और आपसे वही चीजें मांगी है ईपीएस बता दो कंबाइंड लिवरेज बता दो कंबाइंड लिवरेज के लिए आपको वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मुला लगा सकते हो नहीं तो ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज निकाल के मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्या यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है कर पाओगे खुद से करोगे घर से होमवर्क में मार्क कर लो बिल्कुल वैसे ही पहले क्या करोगे एसेट टर्नओवर निकाल के टर्नओवर आगे पूरी इनकम स्टेटमेंट खत्म क्वेश्चन ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपकी बुक्स में भी सेम नंबरिंग होगी तो आप यही नंबरिंग से मार्क कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आइए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है ना ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि वैसे आसान है और ये क्वेश्चन पेपर से एक दिन पहले भी रिवाइज करने वाला है कहने का मतलब है एक छुट्टी होती है उसमें पूरा एफ भी रिवाइज करना है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस भी रिवाइज करना है तो इस चैप्टर के फॉर्मुले रिवाइज कर लिए और ये वाला फिफ्टी क्वेश्चन रिवाइज कर लिया आप सोच सकते हैं कि आपका पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज हो गया ठीक है ना तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है एंड टाइम के रिवीजन के लिए और पेपर में तो आया ही हुआ है ठीक है ना आइए तो इसको आप साथ के साथ मार्क कर लेना एग्जाम रिवीजन क्वेश्चन मतलब उस टाइम पे जो भी आप इस तरीके की मार्किंग करेंगे अपने रेफरेंस के लिए चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आर एस टी लिमिटेड इज एज फॉलोस डेटा वही दे रहा है आपको इक्विटी शेयर्स दस रुपए ईच आठ लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल टेन परसेंट प्रेफरेंसियर्स पांच लाख रुपए के ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स सात लाख रुपए के उसके बाद डेटा दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन पीएटी दिया हुआ है मतलब ई एटी आफ्टर टैक्स टू लैख एटी थाउजेंड बाय द वे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे दिया और टैक्स का रेट दे दिया क्या ईबीटी निकाल पाओगे एग्जैक्टली exactly. एक तरह से जो ई एटी है वो सेवेंटी परसेंट का अमाउंट दे रखा है समझ आया ईबीटी माइनस टैक्स ई आता है ये अगर 100 परसेंट है 30 परसेंट का टैक्स है तो ये 70 परसेंट है जो कि दो लाख अस्सी हजार दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 70 परसेंट करोगे ग्रॉसिंग अप करके ईबीटी आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन नाइनटी आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी अभी इसको देखेंगे ठीक है ना इक्विटी डिविडेंड पेड इज फिफ्टीन परसेंट इसका अमाउंट निकालना हो इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू आपको दे रखी है मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन परसेंट करेंगे डिविडेंड आ जाएगा समझ आया अच्छा यहां पे ना एक डाउट जैसी मैं ये बात बोलता हूं यह आता है सर आपको कैसे पता कि यह जो आठ लाख रुपए का अमाउंट दे रखा है यह फेस वैल्यू है पहली बात पहली लाइन पढ़ लो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आर एस टी लिमिटेड मतलब किताबों में बैलेंस शीट में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है अब बैलेंस शीट में आपको भी पता है इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू दिखाई जाती है अगर कोई प्रीमियम होता है वो अलग से रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज या शेयर प्रीमियम में दिखाया जाता है समझ आया अगर कुछ एक्स्ट्रा होता प्रीमियम वगैरह तो वो अलग से बताता है यह अल्टीमेटली फेस वैल्यू ही है समझ आ रहा है अच्छा इसके बाद मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ट्वेंटी क्या यूज होगा वो अभी देखेंगे यहां पर बस ये तो अभी मैं डेटा पढ़ रहा हूं समझ आया अभी क्या करना है कैसे करना है इनकम स्टेटमेंट क्या बनेगी कैसे बनेगी वो सब अभी देखेंगे आपसे मांगा क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज आगे जो भी मांगा है ना इस क्वेश्चन में वो भी बाद में पढ़ते हैं पहले यही निकाल लेते हैं क्योंकि इसी को कंप्यूट करते हुए जो आपका डेटा आएगा ना वही डेटा की रिक्वायरमेंट्स एक तरह से आपसे आगे वाले पार्ट्स में मांगी हुई है ठीक है ना तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आइए इनकम स्टेटमेंट का एक बड़ी फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी आ जाएगा ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी आ जाएगा यहां से अब थोड़ा थोड़ा डेटा फिल करना शुरू कर देते हैं ईएटी आपके पास टू लैख एट्टी थाउजेंड पहले जो डेटा रेडिली अवेलेबल है ना पहले वो लिख देते हैं बस ईएटी दो लाख अस्सी हजार दिया हुआ है और टैक्स है आपके पास थर्टी परसेंट तो टैक्स अगर थर्टी परसेंट ईएटी सेवेंटी परसेंट तो ईबीटी आ जाएगा तो मतलब एक लाख बीस हजार आपका टैक्स ठीक है ना अच्छा ई ए टी में से फिर माइनस क्या करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल दो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के लिए आपको यह सब नहीं चाहिए लेकिन आने वाले पार्ट्स में कुछ है जिसके लिए यह चाहिए हो सकता होगा तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट पूरी बना लेते हैं एक बारी ठीक है ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आपको डेटा दिया हुआ है शेयर कैपिटल पांच लाख की कूपन रेट दस परसेंट तो 50,000 का प्रेफरेंस डिविडेंट आ जाएगा आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू लाख थर्टी थाउजेंड आ जाएंगी। माइनस इक्विटी डिविडेंट इक्विटी डिविडेंट के लिए आपको डेटा क्या दिया हुआ है इक्विटी डिविडेंड पेड इज 15% परसेंट और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख आपको दे रखी थी हर्ष समझ आया तो 8 लाख का 15% परसेंट कितना आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे इसके बाद आपके पास थाउजेंड यही आ रहा अच्छा, है ना सॉरी वन लाख अच्छा ठीक है ठीक है वन लाख टेन थाउजेंड हो गया यहां तक अभी इनकम स्टेटमेंट हमें पूरी करनी है ईबीटी से नीचे की पूरी इनकम स्टेटमेंट हो चुकी है उससे ऊपर की करनी है तभी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज निकल पाएगा अब भाई सबसे पहले तो इंटरेस्ट सेवन लाख के डिबेंचर्स बारह परसेंट का कूपन रेट इंटरेस्ट भी आ जाएगा 84,000 तो रिवर्स वर्किंग करके ईबीआईटी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूं इसके आगे फोर लाख एटी फोर थाउजेंड ठीक है ना अब बात आ गई फिक्स्ड कॉस्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी हुई है बी पॉइंट पढ़िए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 96,800 आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। अब इस बात, इस बात का इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है मैं वर्किंग नोट में लिखता हूं यहां पे। पहले तो एज इट इज क्वेश्चन ने ये बात लिख रखी है ना उसी को लिखता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। यही बोला क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस इक्वल टू वन पॉइंट फाइव अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने ब्रैकेट में बोला इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन तो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में आता क्या है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट भाई जो आपकी सेल्स से ईबीआईटी तक की इनकम स्टेटमेंट है यहां से यहां तक की जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है ये ऑपरेटिंग चीजें ही तो हैं तभी तो यहां तक के लिवरेज को आप ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हो डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा समझ आया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में क्या फॉल करेगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट समझ आया सबको ये तो एक तरह से क्वेश्चन ने यहां पे बोला वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी अब क्वेश्चन ने बोला ब्रैकेट में इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन और कोई डेटा नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पर है ही क्या डेप्रिसिएशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड की फिक्स कॉस्ट दैट इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ईबीआईटी जो कि फोर लाख एट्टी फोर थाउजेंड आया था सॉल्व करेंगे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी सिक्स लाख। समझ आया सबको ये? दोबारा रिपीट करता हूं देखिए क्वेश्चन ने इस लाइन में क्या बोला ब्रैकेट वाली बात को एक मिनट के लिए भूल जाओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ईबीआईटी मैंने यही बात लिख दी ठीक है ना फिर मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता क्या क्या है सेल्स से ईबीआईटी तक की जो इनकम स्टेटमेंट होती है वहां तक का जो लिवरेज भी आता है उसको क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस को रन करने का ऑपरेट करने की वजह से अराइज होने वाला रिस्क आता है मतलब यहां पे जितने भी खर्चे हैं वो सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं वेरिएबल कॉस्ट भी बिजनेस को रन करने का खर्चा है फिक्स्ड कॉस्ट भी बिजनेस को रन करने का खर्चा है बस उसकी नेचर अलग है एक variate, variate होने वाला है एक फिक्स तो लिख दिया उसको कि वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अल्टीमेटली इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ ईबीआईटी फिर मैंने कहा फिर क्वेश्चन की बात को पूरा पढ़ा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नाइनटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड और कोई डेटा है नहीं डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली कौन सी नेचर का खर्चा है वेरिएबल या फिक्स्ड फिक्स्ड तो मैंने बस ये मान लिया कि फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पर है ही फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन समझ आया तो हमने यहां पे पुट कर दिया वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपके पास इक्वेशन बन गई सॉल्व करेंगे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी ठीक है ना हो गया समझ आ गया सबको <coughs> तो आपके पास यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट भी आ चुकी है 96000 800 मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूं ओनली डेप्रिसिएशन अज्यूम्ड ये हमने अज्यूम कर लिया कि बस डेप्रिसिएशन नहीं है फिर क्योंकि और कोई डेटा नहीं है आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना वेरिएबल कॉस्ट आप वर्किंग नोट नंबर वन में निकाल चुके हो सिक्स लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सेल्स आ जाएगी ट्वेल्व लाख टेन थाउजेंड आ गया समझ सबको चलिए अब पहले पार्ट में तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज निकालना था सीधा सीधा फॉर्मुला लगाना है आइए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आया फाइव लाख एट्टी थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइडेड बाय ईबीआईटी आया फोर लाख एट्टी फोर थाउजेंड कितना आएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ई बी आई टी डिवाइडेड बाईटी ई बी आई टी आया था फोर लैख एट्टी फोर थाउजेंड और ई बी टी आया था फोर लाख कितना आएगा वन पॉइंट ठीक है ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कंप्लीट करिए एक बार यहां तक गुनीत अमित अमित क्लियर हो गया हो गया भाई सबका होश में हो नींद में तो नहीं आने वाले जिंदा लाशे तो नहीं बनने वाले अमित की आंखे से पता लग रहा है या तो नींद में है या फिर आगे तो समझता है मैं तो देखो एक बार पूरी लाल रखी है इसकी आंखें तो क्या कर गया है तू सुबह सुबह सस्ते ये देखो <laughs> ये रिकॉर्डिंग होती है घर पे बेच सकता हूं तेरे में फिर बोलियो हाँ शाम को करता हूं फिर जो शाम को होगा ना तेरे साथ घर पे चलो बी बी पार्ट बस 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 सुनेंगे एक बारी कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड पहले तो ना यहां पे क्वेश्चन मांग क्या रहा है वो देखते हैं जब भी क्वेश्चन इस तरीके की बात बोले कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड ऑल इस क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस और इक्विटी की बात करी हुई है यह क्वेश्चन यहां पर यह भी बोल सकता है कवर फॉर इंटरेस्ट कवर फॉर वेरिएबल कॉस्ट कवर फॉर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी बोल सकता है इस तरीके से समझ आया पहले तो ये इसका मतलब क्या है आपसे क्वेश्चन कवरेज रेशो मांग रहा है अब सर कवरेज रेशो क्या होती है पहले तो आपने नाम सुना सुना सा आपको लगेगा जब मैं बोलूंगा कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंट एंड कवर फॉर इक्विटी डिविडेंट का मतलब है क्वेश्चन ने आपसे मांगा है प्रेफरेंस डिविडेंट कवरेज रेशो निकाल दो इक्विटी डिविडेंट कवरेज रेशो निकाल दो ये नाम सुन रखे हैं आपने पहले कभी ना कभी सुने होंगे अकाउंट्स में सुन रखे हैं मेरे को लग रहा है ट्वेल्थ में थोड़े थोड़े मैं फॉर्मूला नहीं पूछूंगा आपसे चिंता मत करो तो डरना मत ठीक है नाम सुने सुने से लग रहे हैं अच्छा ऐसे ही अगर यहां चलो कोई बात अच्छा नहीं सुना बस 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 लड़ना नहीं मान लो यहां पर लिखा होता कवर फॉर इंटरेस्ट तो मतलब क्वेश्चन क्या मांग रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो अब इसका सर फॉर्मूला क्या होता है देखो फॉर्मूला रटना नहीं है ठीक है हम फॉर्मूला खुद से बनाएंगे सेकेंड पार्ट तो पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रेफरेंस डिविडेंट कवरेज रेशो पता है जो रेशोज वाला चैप्टर है ना वो मैं जानबूझ के लास्ट में करवाता हूं क्योंकि बहुत सारी रेशोज ऐसी होती है जो आपकी किसी ना किसी चैप्टर में कवर्ड हो जाती हैं तो बाद में जब हम रेशो वाला चैप्टर करते हैं ना बिल्कुल एंड में तो वो दो क्लासेस का चैप्टर बन जाता है और फटाफट फटाफट खुद से ही हो जाता है वो ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे छोड़ दूंगा अब इसका मतलब ये नहीं मैं करवाऊंगा लेकिन आसान बन जाता है वो चैप्टर एनी anyway, वे अब यहां पर ध्यान से सुनना किसी भी तरीके की कवरेज रेशियो आ जाए उसका फॉर्मूला बनाना कैसे है मैं डायरेक्टली रटा रटाया है नहीं आपको बता रहा हूं बनाना कैसे है वो बता रहा हूं आपको सीधा सीधा देखिए कवरेज रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनता है न्यूमिनेटर में लिखना होता है वो इनकम जिसमें से वो खर्चा बांटना है और डिनोमिनेटर में लिखना होता है खुद वो खर्चा दोबारा पहले इस बात को रिपीट करता हूं फिर यहां पे अप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में लिखते हैं वो इनकम जहां से वो खर्चा बांटना है जिसकी कवरेज निकालनी है और डिनोमिनेटर में खुद वो खर्चा समझ आया मतलब मेरे को प्रेफरेंस डिवरेंट कवरेज रेशियो निकालनी है कौन सी इनकम से बटता है प्रेफरेंस डिवरेंट EAT में से EAT में से माइनस करते हो प्रेफरेंस डिफरेंट तो प्रेफरेंस EAT में से बटता है तो मैंने बोला था में लिखना है, खुद वो खर्चा, खुद वो खर्चा प्रेफरेंस बस ये है आपका डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिफरेंट समझ आया अब इससे जो आंसर आता है वो डिनोट क्या करता है पहले आंसर निकालते हैं आपके पास ई आया हुआ है टू लैख एट्टी थाउजेंड और प्रेफरेंस डिवरेंट था फिफ्टी थाउजेंड कितना 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 फाइव पॉइंट सिक्स टाइम्स इसके आगे टाइम्स लिखा जाता है <coughs> अब इस फॉर्मूले का लॉजिक समझ लो इसका मतलब क्या होता है इसका यूज क्या होता है अपने आप को ना कंपनी के मालिक मान लो ठीक है तो आप लोग हो कंपनी के मालिक ठीक है अब सुनो कंपनी की हो रही है एजीएम एजीएम में डिसाइड करना है डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है या तो यह डिसाइड करना है या एजीएम में यह डिसाइड करना है मान लो यह डिसाइड हो चुका कि डिविडेंड बांटना है लेकिन अब यह डिसाइड करना है कि कंपनी ने डिविडेंट को बांटने के लिए जो इनकम कमाई थी वो कितनी सफिशियंट थी दोबारा रिपीट करता हूं प्रॉफिट आया है लेकिन डिविडेंट बांटने के लिए जो कंपनी ने इनकम कमाई थी वो कितनी सफिशियंट थी कि डिविडेंट बंटने के बाद भी क्या कंपनी के पास कुछ लिक्विडिटी बचेगी भी या नहीं समझ आया अब यहां पे 5.6 टाइम्स आया है प्रेफरेंस डिफरेंट कवरेज रेशो, इसका मतलब क्या है जब आपके सामने आप सब कंपनी के मालिक हो मालिक हो मतलब आपके पास और भी बहुत सारे काम है ठीक है आपके पास सिर्फ एक काम नहीं है मतलब आप पूरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पूरा अपने हिसाब से प्रेफरेंस डिफरेंट ईएटी ये सब देखने का आपके पास टाइम नहीं है आपको चाहिए शॉर्ट डेटा जिसको देखते ही आपको क्रक्स क्लियर हो जाए और आप अपने माइंड में क्लियर हो जाओ आप पूरी इनकम स्टेटमेंट

अच्छा ठीक है समझ आ गया अच्छा इसके बाद यहां पे आपसे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी मांगा था जरा खुद से बनाना फॉर्मूला न्यूमिनेटर में क्या लिखना है वो इनकम जहां से ये खर्चा बटना है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय खुद वो खर्चा इक्विटी डिविडेंड समझ आया फॉर इक्विटी कितना आया था टू लाख थर्टी थाउजेंड और इक्विटी डिविडेंड था वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन पॉइंट नाइन टू टाइम मतलब इक्विटी डिविडेंड जिस इनकम से बट रहा है वो इनकम 1.92 टाइम्स ज्यादा है उस डिविडेंड से मतलब डिविडेंड बांटने के बाद भी कुछ बचेगा 0.92 टाइम्स बचेगा कुछ ठीक है लक्ष्य समझ आ गया अच्छा वैसे ऑल्दो इस क्वेश्चन में मांगा नहीं बट मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो मांगी होती तो क्या फॉर्मूला बनता ईबीआईटी सॉरी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ईबीआईटी वो इनकम जिसमें से वो खर्चा बटना है डिवाइडेड बाय खुद वो खर्चा अच्छा मान लो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कवरेज रेशो मांगी होती कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट मान लो वेरिएबल कॉस्ट कवरेज रेशो मांगी होती सेल्स डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली सबका बन जाएगा यहां पर समझ आ गया आपको यह चलिए तो ये सेकंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट यील्ड एंड प्राइस से सुनना ये अगेन थोड़ी सी अलग चीज है अब मैं पहले आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं सीधा आंसर नहीं निकलवा रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ठीक है ना ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अब ये एक तरह से आपके नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बेस भी है ठीक है ना तो जिन आपने वंशिका और आपकी जैसे पहली क्लास नहीं भी है तो भी आपको यह चीज समझ आएगी बिल्कुल अलग चीज है अभी इनको भी नहीं मतलब इनके लिए भी पहली चीज है सुनो कभी भी ना कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर अब मैं अगेन थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा हूं कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर या कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर अब वो चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो वो दो चीजों में सॉरी वो किसी भी कंपनी की तीन चीजों में इंटरेस्टेड होता है ईपीएस एक डीपीएस एक और एक एमपीएस इन तीन चीजों में वो इंटरेस्टेड होता है इन तीन चीजों को वो देखेगा ही देखेगा कि कंपनी का कितना है बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है? मतलब अभी समझाऊंगा मैं सारा इन तीन चीजों में तो होता है वो इंटरेस्टेड लेकिन सिर्फ दो चीजों से वो इनकम कमा सकता है या तो डीपीएस या एमपीएस मतलब कमाई सिर्फ दो चीजों से हो सकती है उसकी एक इन्वेस्टर की या ट्रेडर की चाहे वो ट्रेडर हो शॉर्ट टर्म वाला चाहे वो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर हो कमाई दो चीजों से हो सकती है डीपीएस और एमपीएस इंटरेस्टेड तीन चीजों में होता है अब इसका मतलब क्या है हर इक्विटी शेयर होल्डर या हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर यह जानना चाहेगा कि मैंने अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाया तो उस एक शेयर पे आप मेरे लिए कमाओगे कितना दैट इज ईपीएस समझ आया अगर इक्विटी शेयर होल्डर को लगेगा कि मैंने अगर इस कंपनी के एक शेयर में एडिशनल पैसा लगा भी दिया तो भी जो यह कंपनी मेरे लिए कमाएगी आने वाले टाइम में वो कम कमाएगी डिक्रीजिंग ट्रेंड में कमाएगी तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा इस कंपनी में समझ आया कि आज कंपनी का मैं कहूं ईपीएस टेन है और एक साल बाद का एक्सपेक्टेड ईपीएस कह दू कंपनी का एट है तो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के मन में क्या बात आएगी कि अगर मैंने आज इस कंपनी का शेयर में पैसा लगा भी दिया तो मेरे एक शेयर पे कंपनी जो एक साल बाद कमाएगी वो आज से भी कम कमाएगी तो निकालो अपना पैसा अगर लगा रखा है और अगर नहीं लगा रखा तो आगे भी नहीं लगाना समझ आया तो ये ईपीएस तो हो गया मेरे पैसों पर कमाओगे कितना डीपीएस का मतलब हो गया आज अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं तो उस पर मेरे लिए जो आप कमाओगे उस कमाई में से मेरे को बांटोगे कितना ठीक है पता चले कमा कमा के रख लिया बांटा नहीं क्योंकि कोई भी जैसे हम ये बात तो पढ़ते हैं कि डिविडेंट प्रॉफिट आएगा बांटना है नहीं आएगा नहीं बांटना है लेकिन आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच के देखो आप इक्विटी होल्डर हो आप कितने टाइम तक एक कंपनी में सस्टेन कर लोगे एक साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा आप कुछ नहीं बोलोगे दूसरे साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा आप नहीं बोलोगे तीसरे साल नहीं बांटा आप नहीं बोलोगे एक टाइम आएगा जब इक्विटी इन्वेस्टर बोलेगा देखो ऐसा है अब मेरे को डिविडेंड चाहिए क्योंकि आप उसके पैसों पे कमाते जाओ इक्विटी वाले तो तब कमाएगा ना जब उसके इनहैंड पैसा आएगा डिविडेंड का समझ आ गया आपको ये तो दूसरी चीज डीपीएस कितना आप मेरे को दे रहे हो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे दे रहे हो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे दे रहे हो किस ट्रेंड पे दे रहे हो और तीसरा होता है एमपीएस एमपीएस में क्या होता है वो पहले मैं एक बार यहां पर बताता हूं कमाई दो चीजों से हो सकती है अपने आप आपको यह भी चीज समझ आ जाएगी वैसे तो यहां पर अगर मैं इंटरेस्टेड की बात करूं ये तो नॉर्मल सी चीज है आपको भी अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है आप भी तभी उस कंपनी में इंटरेस्टेड होगे ना कि आज उस कंपनी का शेयर सौ रुपए का था मान लो कल 110 हो गया फिर 120 हो गया मतलब एमपीएस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है समझ आया आपको ये अच्छा फिर मैंने बोला कमाई दो चीजों से हो सकती है या तो डीपीएस से या एमपीएस डीपीएस तो आपको समझ आ गया कि स्ट्रेट अवे उसके हाथ में डिविडेंट कितना आया कंपनी कमाती रहे इक्विटी इन्वेस्टर कब कमाएगा जब उसके इनहैंड डिविडेंट आएगा और दूसरा है एमपीएस एग्जैक्टली मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस इज मार्केट प्राइस पर शेयर और एमपीएस से कैसे कमा सकता है सौ रुपए का खरीदा प्राइस एग्जैक्टली प्राइस बढ़ गया मान लो एक सौ बीस का हो गया बाय किया था सौ रुपए में सेल कर दिया एक सौ बीस में जो डिफरेंस ट्वेंटी है दिस इज माई कैपिटल गेन ये किस वजह से कमा पाया एमपीएस के इंक्रीज की वजह से भाई समझ आया सभी को क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई डाउट चलो तो पहले तो मेरे को यह चीज समझानी थी कि इंटरेस्टेड होता है तीन चीजों में कमाई हो सकती है दो चीजों से ठीक है ना अच्छा एंड बाय द वे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना अब मैं यहां पे आपको यह बताता हूं कुछ इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म नहीं नॉर्मल बात कर रहा हूं अभी कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो चाहते हैं डिविडेंड चाहिए हमें ठीक है मतलब हमने आज पैसा लगा दिया आपकी कंपनी में लाख दो लाख रुपए दस लाख रुपए पचास लाख रुपए कितना मर्जी अब आप हमें पर के हिसाब से हर साल कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड बांटते रहो हमारी इन्वेस्टमेंट पे कुछ तो इन्वेस्टर होते हैं इस नेचर के समझ आ रहे हैं? और कुछ इन्वेस्टर होते हैं देखो कंपनी का पी एंड एल बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं एक चीज भाई समझ आ रहा ना यहां पे सारा ये अच्छा कुछ इन्वेस्टर कहते हैं कंपनी यहां पे पी एल में यहां पे प्रॉफिट कमाएगी ठीक है ना अगर कंपनी ने यहीं के यहीं इस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंट बांट दिया अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एक मिनट के लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अगर कंपनी ने यहां पे प्रॉफिट जो भी कमाया वो पूरा का पूरा एज अ डिविडेंट बांट दिया तो कंपनी यहीं के यहीं रहेगी क्यों कंपनी ग्रो कब करेगी जब कंपनी में रेगुलर बेसिस पे नया पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा समझ आया तो अब जो एक इन्वेस्टर होता है जो चाहता है मेरे को डिविडेंट बांटते रहो और एक इन्वेस्टर कहता है मेरे को डिविडेंट बांटने की जरूरत नहीं है जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को आप रिटेन कर लो रिटेन करोगे अल्टीमेटली कहां जाएगा रिजर्वसेंस सरप्लस में एंड सरप्लस में अगर रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई डिविडेंट ना बांटा रिटेन कर लिया तो वही पैसा अल्टीमेटली बिजनेस के एसेट्स में इन्वेस्ट होगा एसेट्स ग्रो करेंगे प्रोडक्शन ग्रो कर सकती है या सर्विस रेंडर करने की कैपेबिलिटी बढ़ सकती है अगर सर्विस कंपनी है यह बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी सेल बढ़ेगी तो अगले साल का प्रॉफिट और बढ़ेगा अल्टीमेटली कंपनी ग्रो करना शुरू कर देगी अगले साल का प्रॉफिट और ग्रो करेगा तो अगले साल जब प्रॉफिट ग्रो करेगा तो इस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा लोग अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा

फिर यहां पे बैलेंस बनाना अब यहां पे कंफ्यूजन ये आती है जैसे आपके मन में भी आ रहा होगा तो सर अब करते क्या होंगे फिर डिविडेंड बांटते होंगे या कैपिटल गेन कमाने के लिए एमपीएस बढ़वाते होंगे इसका बैलेंस अचीव करना होता है फॉर द सिंपल रीजन दो रीजन की यहां तक की सारी बातें समझ आ रही है इसका बैलेंस दो चीजों की वजह से मेंटेन करना होता है पहली चीज पहली चीज तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अगर डिविडेंड ना बांटा तो कंपनी ग्रो ज्यादा कर सकती है एमपीएस ज्यादा ग्रो कर सकता है लेकिन एमपीएस से जो कमाई होगी वो कौन सी नेचर की होगी कैपिटल गेन और कैपिटल गेन पे लगता है टैक्स पढ़ रखा है आपने समझ आया लेकिन अगर डिविडेंट मिला तो जो डिविडेंट होता है वो इक्विटी होल्डर के हाथ में क्या हो जाता है एग्जम्ट तो इन्वेस्टर क्या सोच रहा है अगर डिविडेंट मिला तो एक एग्जम्ट इनकम आएगी अगर कैपिटल गेन हुआ तो एक टैक्सेबल इनकम आएगी अल्टीमेटली वो टैक्स की सेविंग भी अपनी चाहता है समझ आया तो इसलिए इन्वेस्टर चाहता है कि बैलेंस हो जाए कि कुछ कुछ डिविडेंट बांटते रहो जो कि मेरी एक्समट इनकम हो जाए पूरा मत बांटो और कुछ पैसा आप री कर दो बिजनेस में जिससे कुछ कैपिटल गेन भी कमा लो क्योंकि यहां पर कमाई कहीं ना कहीं ज्यादा होती है बस टैक्स की वजह से हम कह रहे हैं थोड़ा बहुत डिविडेंट भी बांट दो समझ आया सभी को क्लियर है पहली रेफरेंस तो हो गई है ये।, ये मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बात कर रहा हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी पॉइंट इन्वेस्टर का ही आएगा कहीं ना कहीं देखो स्टॉक मार्केट में ना आप अगर मार्केट में जाओगे इन्वेस्टिंग uh, वगैरह जब भी शुरू करोगे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे बहुत ना कम लोट होता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ना सोच समझ के पैसा लगाते हैं नहीं तो नॉर्मली ना अगर मैं इसमें बोलूं भी ना दस परसेंट लोग होंगे जिनको नॉलेज होगी और वो नॉलेज के बेसिस पे पैसा लगाएंगे बाकी नब्बे पब्लिक कैसे पैसा लगाती है मेरे दोस्त ने मेरे को ये टिप दिया लगा दो पैसा मार्केट में ये परसेप्शन चल रहा है लगा दो पैसा न्यूज में भाई साहब आके कुछ बोल रहे हैं लगा दो पैसा या विड्रॉ कर लो कहने का मतलब है नाइनटी जो गेम चलता है वो परसेप्शन गेम चलता है इसीलिए ना आप कई बार सुनना जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना जैसे इंडिया में आपने उनका नाम सुना होगा राकेश झुंझुनवाला अगर उनका नाम नहीं सुना तो वॉरन बफे का तो नाम सुना ही होगा इन्वेस्टिंग की दुनिया में राकेश झुनझुन एक तरह से इंडिया के वारन बफे हैं अब ना उनको बिग बुल कहा जाता है बिग बुल क्यों कहा जाता है वो कई बार ना उनके बारे में देखना कई बार उनके बारे में कहा जाता है वो जान मार्केट को मैन्युपुलेट करते हैं अब ना लोगों को लगता है ये जान मार्केट को मैन्युपुलेट करते हैं तो पता नहीं क्या ही मैकेनिज्म करते होंगे कई बार तो इतना सिंपल मैनिपुलेट करते हैं मैं बताता हूं

बिग बुल का मतलब आपने थोड़े से अमाउंट से बहुत हेवी प्रॉफिट मार्केट में कमा के दिखा रखा है आपके बोलने की भी कीमत है आप कुछ बोलोगे तो वो जो 90 परसेंट लोग हैं जो कि सिर्फ किसी के बोलने पे ही पैसा लगा देते हैं वो सब आपकी बात पे विश्वास करेंगे समझ आया अब आप न्यूज में हर्षद मेहता वाला नहीं है वो तो चलो डॉक्यूमेंटेशनल तरीके से क्राइम क्राइम बोल रहा हूं फ्रॉड था ऐसा वाला नहीं है ये तो बस

समझ आया अब लोग इस शेयर में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं जिस वजह से इस शेयर की खरीद बढ़ जाती है खरीद बढ़ती है प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है राकेश झुंझुनवाला को तुमसे क्या लेना देना है उनको तो पता है तुम्हारे खरीद से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ वो 110 हुआ वो बेच के निकल लेंगे अब राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग जब बेचते हैं तो इनका अमाउंट लाख रुपए दो लाख रुपए नहीं होता है इनका अमाउंट होता है करोड़ों रुपया इन्होंने पहले आके बोल दिया इनके बोलने की वजह से तुमने पैसा लगा दिया जिस वजह से शेयर का प्राइस बढ़ गया तो जो बोला वो बात सच, भी हो गई। सच करवाई गई है। हुई नहीं, है, वो नहीं है मैंने प्रेडिक्शन ऐसी करी है जो मैं कर सकता हूं समझ आया लेकिन अब जैसे ही अपने शेयर 110 पे आपके इन्वेस्ट करने की वजह से बेचेंगे सप्लाई बढ़ेगी अब ये गिर जाएगा अब ये फॉल कर जाएगा तो ये जो 90 परसेंट परसेप्शन पे चल रहे थे इनका क्या हो गया लॉस। हाँ जो आपने बोला वही हो गया एक तरह से वो मैं बोलूंगा नहीं अभी क्योंकि हाँ। तो थोड़ा गेम समझ में आया होता क्या है? इस तरीके से परसेप्शन गेम यहां पे चलता है ये बात सर मैंने क्यों करी यहां सुनो 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 सुनो, सुनो. ये गेम मैंने यहां पे इसलिए करी यहां पर जो मैं आपको ये समझा रहा था कि बैलेंस मेंटेन करना होता है कि कुछ डिविडेंट कुछ कैपिटल गेन अब कंपनी को भी पता है जो ये परसेप्शन वाले लोग हैं ना इनको ये तो मालूम होता नहीं है कि कंपनी कमा कितना रही है ये भी देखना होता है उस कमाई में से बांट कितना रही है ये भी देखना होता है ये लोग क्या देखते हैं कंपनी ने डिविडेंट कितना बांटा डिविडेंट को ही आधार बनाकर ये लोग सोचते हैं कि कंपनी अगर डिविडेंट ज्यादा बांट रही है तो शायद कमा भी ज्यादा रही होगी ये नहीं सोचते कि अगर इस साल कंपनी ने डिविडेंट कम बांटा हो सकता है ज्यादा कमाया होगा डिविडेंट कम बांटने का हो सकता है रीजन ये हो कंपनी ने रिटेन ज्यादा किया हो कंपनी को कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो इन्वेस्टमेंट की इसलिए कंपनी ने डिविडेंट कम करके रिटेन ज्यादा कर लिया अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करेंगे और अगले साल मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए ऐसा हो सकता है लेकिन ये जो 90 परसेंट वाले परसेप्शन वाले लोग होते हैं उनको ये बात समझ नहीं आती वो डिविडेंड देखते हैं और डिविडेंड को आधार बना लेते हैं डिविडेंड बढ़ रहा है मतलब कंपनी ने ज्यादा कमाया होगा और अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड कम बांट दे तो इनको लगता है कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही पैसा विड्रॉ करो या मत लगाओ प्राइस फॉल कर जाता है तो जो मेरा दूसरा मोटिव था एमपीएस को बढ़ाने का वो फेल हो जाता है फिर तो इस वजह से भी कंपनी को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि कुछ डिविडेंड बांटो लॉजिक समझ आ रहे हैं सारी चीजों के क्योंकि अब ये बुकिश बातें नहीं है प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं कहीं ना कहीं मैं डिस्कस अच्छा अब ये बातें मैंने यहां पर डिस्कस करी क्यों इसी चीज से ना दो चीजें कंप्यूट होती हैं अब मैं आपके थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं जिसमें ये चीजें आपको अल्टीमेटली जो मैंने समझाया ना यह कॉम्प्यूट होना है थर्ड पार्ट में एक होता है अर्निंग और एक होता है डिविडेंड यील्ड यील्ड का अल्टीमेटली जो मैंने आपको पहले बताया कोई भी इक्विटी होल्डर तीन चीजों में इंटरेस्टेड होता है उसमें से दो चीजें कौन सी थी ईपीएस और डीपीएस ईपीएस में वो क्या बोल रहा था कि मेरे पैसों पे आप कमाओगे कितना उसी बात की परसेंटेज कि मैंने आपको सौ रुपए दिया तो मान लो मेरे सौ रुपए पर आपने पर एनम एम दस रुपए कमाया तो कितना परसेंटेज कमा रहे हो आप पर एनम दोबारा बोलता हूं मान मैं लो मैंने सौ रुपया दिया और मेरे सौ रुपए पे बेसिस पे आप मान लो दस रुपए कमा रहे हो तो कितने परसेंटेज कमाया दस परसेंट इसी बात को परसेंटेज में बोलना इज अर्निंग समझ आया अब मैं बोलता हूं मैंने सौ रुपया दिया जिस पे आपने पर बेसिस पे दस रुपए कमाया और उस दस रुपए की कमाई में से सात रुपए पर एनम मेरे को बांट दिया मतलब इसी को परसेंटेज में बोलूं कितना परसेंट बांट दिया सेवन परसेंट बांट दिया यही जो सेवन परसेंट बांट दिया ये परसेंटेज में क्या कहलाता है डिविडेंड यील्ड कहलाता है तो अर्निंग यील्ड और कुछ नहीं है कितना परसेंटेज एक, एक इक्विटी होल्डर के लिए कंपनी कमा रही है डिविडेंड यील्ड भी कुछ नहीं होता कितना परसेंटेज डिविडेंड बांट रही है कमाई में से समझ आया सभी को क्लियर है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू हंड्रेड अगर फॉर्मूले का लॉजिक ना समझ आए तो सुनिए आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाया तो उस पर कमाया कितना उस बात की परसेंटेज वही डिनोमिनेटर से समझ रहा हूं अभी मैंने यही तो सौ रुपए का आपका शेयर है सौ रुपए लगा के अगर आपने उस पर दस रुपए कमाया तो सौ रुपए एमपीएस पे ही तो खरीदूंगा शेयर तो कितने लगाकर कितना कमाओगे उस बात की परसेंटेज डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर DPS डिवाइडेड बाय MPS एंड टू हंड्रेड कितना लगाया उस पर कितना बांटा उस बात की परसेंटेज आपको ये डाउट है कुछ सभी को क्लियर है भाई लास्ट में सिमरन आपको क्लियर है आपका नाम क्या था नेहा समझ आ गया भाई सबको अच्छा अब मैं ना इसी का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी लिखता हूं इन दोनों का आप बताना समझ आया या नहीं इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इन टू हंड्रेड क्या आंसर सेम आएगा सेम फॉर्मूला है आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा <laughs> देखो पढ़ो एक बारी और बताओ मेरे को मेरे को मालूम नहीं मैं सच में जनरली पूछ रहा हूं बेटा आंसर सेम आएगा ये मार्केट वैल्यू है इसको मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट वैल्यू पर लिखा है मान लो एक मिनट के लिए आंसर सेम आएगा पहला फॉर्मूला मैंने पर शेयर के बेसिस पे बना लिया दूसरा मैं फॉर्मूला मैंने टोटालिटी के हिसाब से बना लिया समझ आया भाई सबको क्लियर है फिर भी मैं एक बार ही ना क्योंकि कुछ नालायक एक बाद में पूछते हैं इसलिए मैं फिर भी लिख के भी बता देता हूं मान लो ईपीएस दस रुपए है एमपीएस मान लो सौ है और नंबर ऑफ शेयर्स मान लो हजार है तो सिंगल वाला फॉर्मुला जो है ईपीएस डिवाइडेड बाई एमपीएस वो क्या बनेगा टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड और जो टोटल वाला फॉर्मुला है वो क्या बनेगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हजार शेयर है मल्टीप्लाई बाय पर शेयर पे दस रुपए पर शेयर पे कितना कमाया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हजार शेयर है पर शेयर की वैल्यू सौ रुपए है इंटू हंड्रेड यही फॉर्मूला है दूसरे वाला शेयर से शेयर तो कट गए फॉर्मूला यही तो बचा बात वही आंसर सेम आएगा सभी को क्लियर इसी तरीके से मैं डिविडेंट यील्ड वाले फॉर्मूले को ये लिख सकता हूं टोटल डिविडेंट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी मार्केट वैल्यू ही है ये इन टू हंड्रेड क्या ये भी सेम है क्योंकि ये भी बस टोटलिटी में बनाया है पहला फॉर्मूला पर शेयर के हिसाब से था ये लिखिए एक बार यहां पर ये ना मैंने दूसरे वाला फॉर्मूला इसलिए करवा दिया क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि साथ साथ कुछ बच्चे कुछ बच्चे तो देखो साथ साथ स्टडी मैट रिवाइज करते रहते हैं तो मेरे से पूछते रहते हैं क्लास के बाद अलग से कुछ बच्चे लास्ट में स्टडी मैट रिवाइज करते हैं तो होता क्या है क्लास में मैं क्वेश्चन करवा देता हूं ईपीएस वाले फॉर्मुले से स्टडी मैट में किया होता है टोटल वाले फॉर्मुले से फिर पूछते हैं सर देखना यह कौन सा फॉर्मूला लगा दिया क्या यह ठीक है हम कर सकते हैं वो एक ही है ठीक है आंसर सेम आएगा हमेशा हो गया नोट अब पढ़िए क्वेश्चन में मांगा क्या था यही मांगा था आपसे अर्निंग यील्ड मैंने तो आपको डिविडेंड यील्ड भी बता दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड था और पेपर में आ भी सकता है ठीक है ना लेकिन हमें यहां पे क्या निकालना है अर्निंग यील्ड <coughs> तो अब निकालते हैं अर्निंग यील्ड के लिए आपको क्या चाहिए ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इन टू हंड्रेड अब क्वेश्चन का डेटा देखो लास्ट पॉइंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 23 इसका यूज समझ में आ गया कहां पे है यहां पर है तो एमपीएस है आपके पास 23 ईपीएस के लिए आप पूरी इनकम स्टेटमेंट बना चुके हो इनकम स्टेटमेंट में आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दो लाख तीस हजार रुपए है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके डेटा में से आ जाएगा ईपीएस आ जाएगा समझ आया आइए तो मैं यहीं पे लिख देता हूं अलग से पहले ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अर्निंग्स थी दो लाख तीस हजार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आठ लाख रुपए की कैपिटल दस रुपए का एक शेयर तो अस्सी हजार रुपए नंबर ऑफ शेयर्स 12.5 ये रुपी में आएगा ईपीएस है ये इसको यहां पे पुट कर देंगे 12.5 का ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस 23 2.87 टू पॉइंट इन टू हंड्रेड आंसर कितना आएगा अच्छा आपने इसका आंसर बताया था ठीक है 12.5 परसेंट समझ आ गया भाई सारा लॉजिक क्लियर हुआ आपको जो पहले बताया भाई सारा अच्छा इसी पार्ट में आपसे पीई रेशो भी मांगा है प्राइज अर्निंग रेशो इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस पहले एक बारी आंसर निकाल लेते हैं फिर इस फॉर्मूले का भी लॉजिक भी समझ लेते हैं लेंगे बताता क्या है ये फार्मूला एम पी एस ट्वेंटी थ्री है ई पी एस आपके पास अभी निकाला टू पॉइंट एट सेवन फाइव कितना ट्वेल्व पॉइंट फाइव ही आएगा बस वो परसेंटेज में ट्वेल्व पॉइंट फाइव ही है ना सॉरी एट अच्छा ठीक है एट तो पीई ई रेशो आ गई आपकी एट ये टाइम्स में भी रिप्रेजेंट होती है तो टाइम्स लिख दो इसके आगे अच्छा पीई ई रेशो आपने पहले पढ़ रखा है मेरे को मालूम है फाउंडेशन uh, में भी पढ़ रखा है ठीक है डेफिनेशन में भी आया था वो तो मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने पढ़ाया था तो पीई ई रेशो आपने पढ़ रखा है जरा बताना पीई ई -E रेशो ये जो एट टाइम्स आया है इससे पता क्या चल रहा है क्या डिनोट कर रही है ये क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉमेंट्स वाले अरे चलो पुरानी बातें याद मत करो अब तो मैंने ये बता रखा है किसी भी फॉर्मूले को समझना और डिनोमिनेटर से समझा जाता है समझ के बता दो इतना दवारे, इतना दवारे। हाँ जी इतना दवारे, इतना दवारे। नहीं 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 अरे <laughs> अच्छा चलो मेरी बात सुनो एक बात बताओ अभी तक हमने ये बात दो तीन बोलो बोलो उसका कितना टाइम्स बढ़ा है ये है इसका लॉजिक सुनो मेरी बात मैंने ये बात दो तीन बारी पिछली क्लास में भी डिस्कस करी अभी भी जो मैंने है ना, होल्डर ईपीएस में तो पैसा देखेगा ईपीएस करेगा ही कि आपके पास दो कंपनीज दे रखी हो एक कंपनी का मान लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ईपीएस ऐसे दे रखा हो सौ रुपए नब्बे रुपए अस्सी रुपए और बी कंपनी का ईपीएस दे रखा हो आपको पांच रुपए बारह रुपए सत्ताईस रुपए बताना कौन सी कंपनी पे पैसा लगाओगे ए में या बी में B. मैं होऊंगा तो मैं तो भैया बी में लगाऊंगा फॉर फॉर द सिंपल रीजन अगर मैं सिर्फ थर्ड ईयर देखूं तो बी कंपनी बहुत पीछे है बी कंपनी बहुत छोटी कंपनी है ए कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है अस्सी रुपए कमा रही है लेकिन फिर जो इन्फोसिस जैसा एग्जाम्पल मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था और वैसा ही एग्जाम्पल आइशर मोटर्स का भी है कि इनिशियली होता है बहुत सस्ता शेयर वो पांच दस साल में इतना ग्रो कर जाता है कि मेरा थोड़ा सा पैसा भी बहुत ज्यादा बन जाता है वैसी वाली कंपनी तो बी दिख रही है क्योंकि एक तो ए फॉलिंग ट्रेंड पे है बी राइजिंग ट्रेंड पे है तो ए का शेयर आने वाले टाइम में फॉल करेगा बी का शेयर आने वाले टाइम में बढ़ेगा फॉर द सिंपल रीजन जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा ना जो कि हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर होगा और फाइनेंशियल को देख के इन्वेस्ट कर रहा होगा वो अपनी सारा पैसा स्टेक पर लगा देगा बी कंपनी में समझ आया बी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी शेयर्स के प्राइसेस राइज <coughs> करना शुरू करेंगे जो ए कंपनी है उसके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी होंगे ना वो जब ये डेटा देखेंगे वो कहेंगे इस कंपनी का पीक निकल चुका <coughs> इस कंपनी ने सौ रुपए का ईपीएस कमा दिया अब ये फॉलोइंग ट्रेंड पे आ चुकी है इसका पीक गया मेचोरिटी गई इस कंपनी की निकालो अपना पैसा वो अपना पैसा विड्रॉ करवाने जब शुरू करेंगे ना तो इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड घटेगी क्योंकि वो बेच रहे हैं बिकवाली हो रही है इसको बोला जाता है बिकवाली कितनी हो रही है शेयर की जितनी क्या चीज क्या चीज उतनी ज्यादा बिक जितनी ज्यादा बिकवाली होगी शेयर की अल्टीमेटली शेयर के प्राइसेस फॉल करेंगे समझ आया तो मैं यहां पे सिर्फ इस बात से इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं अल्टीमेटली क्या ईपीएस की वजह से आने वाले टाइम के एमपीएस को इंपैक्ट पहुंचाए या नहीं पहुंचाए बिल्कुल पहुंचाए वो लॉजिक बताया मैंने यहां पे समझ आया तो पीई -E का फॉर्मूला क्या बनाया एमपीएस डिवाइडेड ईपीएस कंपनी जो आपको ईपीएस दे रही है वो ग्रोइंग है या फॉलिंग है उसकी वजह से आपके एमपीएस पे कितना इंपैक्ट पहुंच सकता है जैसे आई है एट टाइम्स एट टाइम्स इंपैक्ट पहुंच सकता है मतलब अगर किसी कंपनी का पीई हंड्रेड है सॉरी ईपीएस हंड्रेड है जैसे मैंने यहां पे डेटा रखा और फिर हो गया था एट्टी इस कंपनी का पीई अगर एट है ईपीएस 100, हंड्रेड तो उस टाइम पे इसका शेयर मार्केट में आठ सौ रुपए चलता होना चाहिए जैसे ही इसका ईपीएस एट्टी पहुंचेगा एट्टी मल्टीप्लाई बाय एट का पीई इसका शेयर कितना पहुंचाएगा जाएगा सौ चालीस समझ आया हुआ है। इस तरीके से वो एस्टिमेट किया जाता है फॉरकास्ट किया जाता है कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन है शेयर के प्राइस की मेरे को बताओ समझ आया ये मतलब होता है पीई का ठीक है जी सभी को समझ आ रहा है को दिक्कत कोई डाउट चलो लास्ट पार्ट बस इस क्वेश्चन का द नेट फंड फ्लो पहले इसका एक लाइन का आंसर है वो करवा देता हूं फिर इसका मतलब बता देता हूं ठीक है इसमें ऐसा ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फोर्थ पार्ट रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिप्रिसिएशन और आपके रेफरेंस के लिए के लिए यहां पे लिख देता हूं नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिटेन अर्निंग्स आपके पास आई थी एक लाख दस हजार डिप्रिसिएशन नाइनटी सिक्स नहीं कितनी थी 96, अच्छा नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड तो ये आ जाएगा आपके पास टू लाख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड बस ये है नेट फंड फ्लो आई गेस इतनी बात से मतलब समझ पाए इसका नेट फंड फ्लो का एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि आपने जो पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाकर सब बांटकर चाहे ऑपरेटिंग खर्चे हो चाहे फाइनेंसिंग खर्चे हो चाहे अप्रोप्रिए सब बांट कर जो एंड में कंपनी के पास बचा वो इन इन कैश कितना बचा? इन कितना बचा बचा लिक्विड फॉर्म देखो रिटेन एक लाख दस हजार आई है पर इन अर्निंग्स को निकालते निकालने के लिए मैंने एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस किया है अल्टीमेटली वो मेरी जेब से नहीं निकला होगा वो मेरी जेब में होगा तो मेरे को लिक्विड बताना है लिक्विड कैश या लिक्विड बैंक अमाउंट कितना बचा होगा तो उसके लिए मैंने नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड किया नेट फंड फ्लो आ गया उसी को नेट फंड फ्लो बोलते हैं समझ आया सर अगर यहाँ पे मान लो ऐसा क्वेश्चन बना देता कि कोई नॉन कैश इनकम हम लिख रखे होते तो वो माइनस कर देते समझ आया तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश इनकम का रिवर्सल करना सिंपल एज दैट बस अर्निंग्स में से समझ आ गया दिस इज इट ये था आपका यह क्वेश्चन तो काफी टाइम लगाया मैंने जानबूझकर क्योंकि मेरे को कुछ चीजें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लेरिफाई करने थे क्लियर हुए आपको समझ आया और थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें भी समझ आ रही है जी। बिल्कुल किया जा सकता है देखो वही तभी तभी अगर आप कई बार सुनोगे ना वॉरेन बफे या जितने भी बड़े बड़े ये लोग इन्वेस्टर हैं ये लोग एक बात बोलते हैं इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट वो क्यों बोलते हैं देखो दो ही सिनारी हो सकते हैं या तो प्राइस बढ़ सकता है या फॉल कर सकता है मेन टास्क क्या है फॉरकास्ट करना कि बढ़ेगा या फॉल करेगा मैकेनिज्म तो पैसा कमाने का प्राइस राइज करने पर भी है

मैंने सोचा फॉल करेगा उस हिसाब से पुट ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग कर दी कल को राइज कर गया मेरा फोरकास्ट फेल हो गया लॉस हो गया ठीक है ना एक क्वेश्चन और कर ले एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोटा सा क्यों भाई तो तो नहीं बताऊंगा सोलह साल सोलह का बेटा अभी तो <laughs> <laughs> क्या एस्टिमेट <laughs> क्या एस्टिमेट लगाना है तरफ से गेस लगा। मैं नहीं बता रहा भाई <laughs> पता चले मैं एज बोलू ये एस्टिमेट बड़ा लगा के बैठी हो फिर बेस्ती हो जाएगी नहीं देश। नहीं देश। नहीं नहीं ये देखो चालीस मारूंगा मैं नहीं बता रहा क्वेश्चन पढ़ो अच्छा अच्छा क्वेश्चन के बाद बता दूंगा पता तो नहीं क्या लगाना है इसको मेरी उम्र से फ्रॉम द फॉलोइंग 18 से ऊपर हूं मेजर हूं बस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी आज का लास्ट क्वेश्चन प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट बस आपसे देखो कितना आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट मांगी है बस नालायक लास्ट क्वेश्चन कर ले ठीक है इनकम स्टेटमेंट मांगी है बस आपसे क्वेश्चन एक तरह से ना आपका फिल द मिसिंग फिगर्स टाइप वाला क्वेश्चन है ठीक है लेकिन इतना आसान बनेगा नहीं देखते हैं तो कंपनी और कंपनी बी का डेटा दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बल्कि आपको आंसर दे रखे हैं फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज इनकम टैक्स का रेट सेल्स यह डेटा आपको दिया हुआ है बस आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो एक काम करते हैं फॉर्मेट बना लेते हैं फिर देखते हैं अच्छा सबसे पहले तो यहां पे सेल्स एज इट इज अभी अगर मैं क्वेश्चन का डेटा सब्सिट्यूट करूं अमित डाउट है पूछ ले पूछ ले हाँ जी चलो मैं बोलता नहीं मैं यहां पे करता हूं ठीक है आप खुद से स्टार्ट करो एक बारी देखते हैं बातें नहीं बातें नहीं वन लैख फाइव थाउजेंड इसके बाद मैं चुप रहूँगा अभी तो मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ जैसा एज ए इज क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, बस उसको फिल कर रहा हूँ बाकी आप अपना देखो ठीक है जहाँ पे आपको लगे आपके लिए डेडलॉक आ गया अब आगे नहीं हो रहा है बता देना एक बारी इंटरेस्ट बारह हज़ार नौ हज़ार इनकम स्टेटमेंट तो ई टी तक रही है ना बस वहां तक का डेटा है भाई देखो मेरे लिए तो लग गया है यहां पे डेडलॉक मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अब आगे होगा क्या अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया क्या करना है ठीक है रट के आया था ना याद करो कंपनी ए का डी एफ एल फाइव रेशियो वन दिया हुआ है फॉर्मूला <coughs> क्या होता है हाँ करो 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 नहीं बोल रहा अभी मैं ट्रिक नहीं बोल रहा है. क्या होता है फॉर्मूला यार इस फॉर्मूले को यहां पर आपके पास कंपनी ए में बात हो रही है कंपनी ए की फिक्स्ड कॉस्ट है इंटरेस्ट है क्या मैं इस फॉर्मूले को एक सेकेंड कुछ भी नहीं है क्या इसका और नहीं नहीं क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं ऐसे अब एक बात बताओ आपके पास कंपनी ए का इंटरेस्ट है बारह हजार या यहां पे अगर मैं इसको सब्सिट्यूट कर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस बारह हजार का इंटरेस्ट

बस यहां पे कितना आया 15 ,000, 15 ,000. नहीं ई बी आई टी अच्छा फिफ्टीन था फिफ्टीन यारी उधर जाएगा सिक्सटी थाउजेंड अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो ईबीआईटी फिफ्टीन थाउजेंड वर्किंग नोट वन का रेफरेंस डाल के समझ आ गया वो नोट कर लिया था ये वाला अच्छा ईबीआईटी फिफ्टीन थाउजेंड रिवर्स वर्किंग करके कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड अगेन रिवर्स वर्किंग करके सेल्स आ जाएंगी कितना उसके बाद ईबीटी आ जाएगा थ्री थाउजेंड टैक्स आ जाएगा नौ सौ ई आ जाएगी ट्वेंटी वन हंड्रेड सिमिलरली कंपनी बी कंपनी बी में ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर एक मिनट आ जाएगा क्या डायरेक्टली जा, कहां से आ जाएगा अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज से ही सॉल्व किया है ना बस ठीक है डीओएल इज इक्वल टू फोर फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे रखा है ना मेरे ख्याल से तो हमें ईबीआईटी चाहिए EBIT की फॉर्म में बना देते हैं EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऐसे लिख सकता हूं इसको हाँ मैं तो फॉर्मुले को लगा के बता रहा हूं अगर लगाना पड़ जाए मेरे को मालूम है यहां पे जरूरत नहीं है सिर्फ उस रेफरेंस पे बात कर रहा हूं ठीक है ना कि अगर यहां पे भी आपको ऐसा करना पड़ जाए तो ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मुले को Equals टू फोर बस यहां पे फिर आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट है आपके पास आपके पास सीधा सीधा ईबीआईटी आ जाएगा समझ आया अच्छा एक बार बता दो फिर आप कितना कितना आ रहा है यहां पर हाँ जी अच्छा माइनस करना एक से एक से टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आ जाएगा पंद्रह सौ भाई मेरे को बताओ सारा समझ आया ये किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ये सब आ कैसे गया इसकी वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का लगाना पड़ जाता तो कैसे लगाते हैं यहाँ पे ठीक है ना समझ आ गया चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं